सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा को संवेदी जोन से बाहर रखे जाने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना मंगलवार को आठवें दिन तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया से वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया है। तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया ने ग्रामीणों से धरना स्थल पर समझाइश करते हुए कहा कि का मामला अब हाईकोर्ट में लंबित हो गया है, जिस पर प्रशासन किसी भी प्रकार का आश्वासन इस मामले में नहीं दे सकता। इस संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही यह तय होगा कि कितना संवेदी जोन कहाँ पर रहने वाला है। इसी प्रकार दूसरी मांग के संबंध में तहसीलदार ने बताया कि डूंगर बालाजी को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। गांव गोपालपुरा की गोचर भूमि व कृषि भूमि को वन विभाग में नहीं दिए जाने की मांग पर तहसीलदार ने कहा कि ये भी हाईकोर्ट से आने वाले संवेदी जोन के फैसले पर ही निर्भर करेगा। वहीं गाँव गोपालपुरा की गोचर भूमि पर सरपंच व उनके समर्थकों द्वारा किए गए तारबंदी के आरोपों पर तहसीलदार ने कहा कि इन आरोपों पर जांच करवाई जाएगी, अगर कुछ भी नियम विरुद्ध पाया गया तो आवश्यक रूप से प्रशासन कार्रवाई करेगा। तहसीलदार द्वारा धरना समाप्त करने की अपील पर ग्रामीणों ने आश्वासन पर विश्वास जताया और कहा कि हम लोग धरना स्थगित कर रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य नौरतन सेन, प्रेम सिंह पवार, आनंद पिलाने आदि ने ग्रामीणों का धरने में सहयोग देने के लिए आभार जताया और ग्रामीण एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं युवाओं ने बताया कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। आज ग्राम गोपालपुरा के अंदर जो ग्रामीणों का धरना चल रहा था, उसका हमने प्रशासन की तरफ से पहुँच के इनका ज्ञापन लिया। ज्ञापन के अनुसार इनकी मुख्य मांगें ये थी कि एक तो ये वन विभाग का जो इको सेंसिटिव जोन है, इसका विस्तार हो रहा है, तो उसको यहीं रोके। तो इस मामले में हाईकोर्ट में प्रकरण चला गया है और हाईकोर्ट का इस मामले में स्थगन हो गया है। अब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। नंबर दो पे इनका मुख्य मांग थी कि गाँव गोपालपुरा की एक डूंगर बालाजी का मंदिर का स्थान है, उसके चारों तरफ आबादी बसी और उसको राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, तो उसके लिए हमने पटवारी किरदार को राजस्व ग्राम बनाने के लिए प्रस्ताव तैयारी का दे दिया है। वो प्रस्ताव गांव के तैयार कर रहे हैं। जो ये प्रस्ताव अपने यहाँ पे तैयार हो जाएगा, उसको हम जिला कलेक्टर महोदय को मुँह करेंगे और जिला कलेक्टर महोदय राजस्व विभाग राजस्थान सरकार को भिजवाते हुए ग्राम घोषित करवाने की कार्रवाई करेंगे। और अन्य इन गाँव वालों की कई मांगें और थी, जिसमें एक तो अतिक्रमियों द्वारा चारागाह भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध माइनिंग हो रही है, तो उसकी हमने ज्ञापन ले लिया और उसकी जाँच करवाएंगे। जिस किसी का भी अतिक्रमण या अवैध माइनिंग पाई जाएगी उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन का जो भी होगा उसके हम इनकी मदद करेंगे। और इनको हमने धरना समाप्त करके अपना कार्यक्रम स्थगित करने के लिए निवेदन किया, तो इन लोगों ने सहज स्वीकार किया है। पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगों का जो निष्पक्ष जाँच होगा, जो हमारी इको सेंसिटिव की जो मांग थी वो मामला हाईकोर्ट में चला गया है और माननीय हाईकोर्ट का जो भी नतीजा आएगा हमें सर्वमान्य होगा। और हमारी जो और भी मांगे थी, जो गोचर लैंड पे अवैध कब्जा किया गया है और उस पे माननीय तहसीलदार महोदय ने हमको मतलब आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और उस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी हमने जो मांग रखी थी कि जो गोचर लैंड में अवैध खनन हो रहा है उस पे भी माननीय पंचायत के द्वारा उस पे माननीय तहसीलदार महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमारी सारी मांगे हैं उस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे आज आठ ग्राम गोपालपुरा की ओर से आठवें दिन का जो धरना, आज हमारे माननीय तहसीलदार साहब महोदय आए और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वस्त किया और हमारी सभी मांगों को एकदम आगे पूरी तरीके से उठाने के लिए और हर तरह की जाँच करने के लिए हमें पूरा विश्वास दिलाया और हमें उनके प्रति वह जो विश्वास उन्होंने हमें दिया है उनके प्रति हम आश्वासित हैं और हमने आज उनके कहने पर आज धरना समाप्त कर रहे हैं। आज हमारी ये सहमति बनी है कि प्रशासन द्वारा हमें एक विश्वास दिलाया गया कि आपकी जो मांगे हैं, जो एक तो जो इको सेंसिटिव जोन है उसकी सबको पता है कि हाईकोर्ट में ये मामला चला गया है और हम सभी हाईकोर्ट के इस मामले को स्वीकार करेंगे, जो भी मामला आएगा, जो निर्णय आएगा। और दूसरी हमारी ये मांग थी कि भी जो गोचर में अवैध जो हमारी गांव की गोचर थी उसमें हमारी गायों को नहीं जाने दिया जा रहा था, उसकी एक निष्पक्ष जांच होगी, एक सरकार के द्वारा प्रशासनिक जो है अधिकारी उनके द्वारा हमें आज आश्वासन मिला है कि इसकी निष्पक्ष जाँच होगी। और हमारा पूर्ण तरह ये आश्वास दिया कि जो भी आपकी मांगे हैं उस पर निष्पक्ष जाँच होगी और
हमें भी पूरा आश्वस्त है कि भी हमारी इस मांगों को जरूर सुनवाई होगी और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से आज इस धरने को समाप्त किया जा रहा है। हाँ, मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी ये मांगे इन पर जल्दी से कार्रवाई नहीं की गई तो हम वापस इस धरने को भी वापस चालू कर सकते हैं। गाँव वासियों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। गांव ठरणा में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु चोरडिया परिवार ने अनुकरणीय पहल की है। कोठारी रोड पर स्थित भवन में आयोजित हुए सादे कार्यक्रम में स्वर्गीय चंपालाल चोरडिया की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी अमिता देवी, पुत्र हेमंत कुमार, तरुण कुमार, नवीन कुमार चोरडिया के सौजन्य से 11 लाख की धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट विधायक मनोज मेघवाल को प्रदान किया गया। विधायक मनोज मेघवाल को भामाशाह परिवार के प्रतिनिधि लालचंद पिपलवाल ने DD सौंपा। इस दौरान सभापति नीलोफर गोरी, उपसभापति अमित मारुठिया, यूनुस खां हसम खानी, बजरंग सेन, बलदेव ढाका, रेफाराम मेहरडा, सलीम गोरी, उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया, पार्षद मोहम्मद इद्रिस गोरी, ACBEO मंजू पंवार, कस्तूरबा स्कूल की प्राचार्य साहिन खानम, सरपंच सविता राठी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि भामाशाह परिवार ने अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए बालिकाओं के स्कूल के लिए 11 लाख की राशि प्रदान की है। उसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। 11 लाख रुपये कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है हमारा, जो कई वर्षों से चल रहा है, जो अभी ठरडा में चल रहा है, उसमें 11 लाख का योगदान चोरडिया परिवार द्वारा दिया गया है। नवीन जी चोरडिया, उनके भाई और उनके माताश्री, जिन्होंने हेमंत कुमार जी, तरुण कुमार जी और नवीन कुमार जी तीनों भाई हैं और उनकी माताश्री हैं, जिन्होंने ये 11 लाख रुपए उस विद्यालय में दिए हैं ताकि वहाँ उस विद्यालय के जो विकास कार्य हैं वो हो सकें। भामाशाह परिवार, चोरडिया परिवार, जो पहले भी समय समय पर सुजानगढ़ में इस तरह की गतिविधियों में योगदान करता आया है, और उसी क्रम में आज उन्होंने उस आवासीय विद्यालय को चुना और 11 लाख की एक बहुत बड़ी राशि, जिससे उस विद्यालय की भवन की मरम्मत और अन्य कार्यों में ये काम आएगी। हम सब लोग उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने अपने जो मातृभूमि है उसमें जो अपनी कंपनी है, व्यापारिक कंपनी, उसके माध्यम से जो उनको फंड देना चाहिए, ये हिंदुस्तान में कहीं भी दे सकते थे, पर उन्होंने अपनी मातृभूमि को चुना और यहाँ के बालिकाओं का जो आवासीय विद्यालय, क्योंकि उसमें सिर्फ बालिकाएँ पढ़ती हैं, उसको उन्होंने चुना और वहाँ 11 लाख रुपये का बहुत बड़ा योगदान दिया। सुजानगढ़ की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार और बालाजी चौड़िया वहाँ हमारी मित्रता ही वहाँ का 3 पुत्र हुआ, बड़ा पुत्र हेमंत कुमार जी, दूसरा तरुण कुमार जी, तीसरा नवीन कुमार जी। अब उनको तो मालूम भी नहीं है कि यहाँ स्कूल आ गया, लेकिन कलेक्टर साहब ने गाइड किया उनको, तो कलेक्टर साहब की बात मान करके उनको स्वीकृति दी।